आज की इस वीडियो सीरीज में पार्ट टू में कवर करने वाले हैं ब्रश कमांड और टूल्स में कलर पिकर, इमेज, क्लिपबोर्ड ब्लॉक। देखते हैं इनका कैसे यूज होता है। सबसे पहले हम ब्रश की बात करें तो इसमें समथिंग 9 प्रकार के ब्रश होते हैं और ये अलग अलग तरीके से चलते हैं। जैसे हम इस ब्रश पर क्लिक करेंगे और इसको हम कंट्रोल प्लस से ब्रश की साइज को हम इंक्रीज कर सकते हैं। ब्रश का जो भी कलर आप चाहें चॉइस कर लीजिए और कहीं भी आपको पेंटिंग करना तो आप इस तरीके से ब्रश का यूज कर सकते हैं किसी भी इमेज को पेंट करने के लिए। आप यहां से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रश का यूज करके वो ब्रश की साइज को ऐसे इंक्रीज कर लीजिए। अब आप देख रहे हैं इस साइड में कैसे चल रहा है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। तो इसमें हम नेक्स्ट ब्रश को चूज करके देखेंगे तो राइट में इस तरफ ये चौड़ा हो जाता है, इस तरफ पतला। तो अलग अलग इसके एंगल को हम बदल करके अलग अलग टाइप के ब्रश का उपयोग करते हैं। और ये हो गए हमारे ब्रश के यूजेज। अब हम कुछ चीज़ें देखते हैं यहाँ डिलीट से, ये आपका ब्रश हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका क्रॉप, रिसाइज, रोटेट। तो इन सबको देखते हैं इनका कैसे कमांड का यूज होता है। यहाँ से हम कोई भी एक बॉक्स शेप्स ले लेते हैं। जैसे हम एक यहाँ से राउंड शेप चूज कर लिए, एलिप्स ले लिए और एलिप्स को यहाँ से हम ऐसे सेट कर लिए हैं। अब देखते हैं सबसे पहले इसमें हम कट कॉपी पेस्ट, सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कट कॉपी पेस्ट। तो जैसे ये हमारा ये एलिप्स है, सेलेक्ट ऑप्शन से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। आप इसको पहले भी जानते होंगे कॉपी से कॉपी होता है, जैसे कॉपी कर ली। अब पेस्ट पर क्लिक करेंगे, 1 से 2 हो गया, जितने भी आपको पेस्ट करना है इस तरीके से। हालांकि एमएस पेंट में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है इस तरीके से कॉपी पेस्ट करना। उससे आसान तरीका होता है कि आप जैसे सभी को डिलीट कर दें, या मान लीजिए हम कोई शेप्स बनाते हैं, एनी वन आप कुछ भी ड्रॉ कर लीजिए। आपको ऐसे 1 से 2 चाहिए, सिंपल तरीका है। आप बस इसको सेलेक्ट करिए और कंट्रोल बटन के साथ आप 1 से 2, 2 से 3 जितना मर्जी उतना कर लो। ये सबसे बेहतर तरीका है। और किसी शेप्स को मूव करना है इस तभी आप क्या करिए, सेलेक्ट ऑप्शन को चुनाव करिए, सेलेक्ट करिए और उसको आसानी से ऐसे ही मूव कर सकते हो। तो यानी कट करने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। बट कमांड का यूज करना चाहें तो आप कट पर क्लिक करें, देखेंगे आप यहाँ से पूरी तरीके से मूव हो गया, पेस्ट करते ही आपको दिखाई देगा और इसे मन चाहे जगह पर स्थान पर ले जाके रख सकते हैं। पेस्ट कमांड के अंतर्गत एक कमांड पाया जाता है पेस्ट फ्रॉम। पेस्ट फ्रॉम का यूज होता है जैसे कोई आप इमेज इंसर्ट करना चाहते हो, तो यदि आपके इसमें जैसे हमारे में पिक्चर कमांड में कुछ इमेज देखते हैं, शेप पिक्चर, 1 मिनट, तो पीसी में और यहाँ से हम कोई एक फोटो या कोई एक इमेज ओपन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे इस इमेज को हम इंसर्ट कर लिए, ओपन, एक हमारे पास छोटी सी इमेज आ गई। अब इमेज देखेंगे आप ये काफ़ी लार्ज है स्क्रीन में, तो इसे हम सबसे पहले देखेंगे ऐसे साथ के साथ सीखेंगे रिसाइज टूल। अब आप देख रहे हैं कि पेस्ट फ्रॉम से एक इमेज ला लीजिए, इसको छोटा करना हुआ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉइंट बना हुआ है। इस पॉइंट से भी आप इसे छोटा कर सकते हैं, इसे पकड़ कर आप ड्रैग कर दीजिए, देखेंगे इसकी साइज छोटी हो रही। अगर आप कमांड का यूज करना चाहें तो रिसाइज पर क्लिक करें और ये परसेंटेज में, पिक्सल में, दोनों तरीके से। अगर परसेंटेज में हमें इसको 50% करना तो आप यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करिए और 50 टाइप करिए, देख रहे हैं हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों एक साथ हो रहा है। अगर आपको डिफरेंट शेप में चाहिए तो ये चेक मार्क आप यहाँ से हटा दीजिए। देखो इसको हम 60 कर दिए तो नीचे वाला चेंज वर्टिकल, हॉरिजेंटल 60 हो गया तो वर्टिकल 50 ही रह गया। तो हमें दोनों अगर समथिंग बराबर करना तो देखेंगे ये 60। अब ऐसी सिचुएशन में जब इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे तो आप देख रहे हैं दोनों में एक साथ बदला होगा, 60 ऊपर किए तो हॉरिजेंटल बदल रहे हैं तो वर्टिकल बदल जा रहा है। ओके करिए, कुछ इस तरीके से हम इमेज को रिसाइज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार, जितना आपको चाहिए। पिक्सल में करना है तो देख रहे हैं ये पिक्सल में, अगर हमें इसे 500 पिक्सल में करना, देखो 500 पिक्सल देन ओके, आप देख रहे हैं ये हो गया। अब आप अपने इमेज को यहाँ से भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे ये आपका इमेज है, हम कोई शेप्स ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, एनिमल, एक ऐसे शेप्स। अब साथ के साथ हमने टूल्स ब्लॉक में फर्स्ट वीडियो में कलर पिकर को नहीं बताया था, इसका यूज देखते हैं।
अगर कोई कलर आपको ऐसे पिक करना है कि हमें सब जैसे कलर इसका है और हमें यहाँ पर फिल करना है, तो हम बस सिंपल सा कलर पिकर उठाएंगे, ऐसे क्लिक करेंगे, तो आप देख रहे हैं आपका ये कलर फिल हो गया। बस फिल विथ कलर को उठाइए और यहाँ फिल कर दीजिए। कलर पिकर को ऐसे चूज करेंगे, जहाँ भी आप कलर को पिक करेंगे आपका कलर बन जाएगा, बस यहाँ फिल कर सकते हैं। एवरी वन प्लेस आपकी जहाँ मर्जी हो वहाँ आप से इस कलर पिकर के माध्यम से कलर पिक करके और आसानी से उसे फिल कर सकते हैं किसी भी प्लेस में। तो कलर पिकर और इस तरीके से आप इनका यूज आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट कमांड देखें, क्रॉप की बात करें तो अगर कोई इमेज हमें जैसे क्रॉप करना है जितना भी, तो सबसे पहला काम होता है हम उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद क्रॉप बटन पर क्लिक करिए, आपका सिंपल सा इमेज क्रॉप हो जाएगी। रिसाइज आपने देखा, क्रॉप देखा, क्रॉप की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एक्स होती है जबकि रिसाइज की कंट्रोल डब्लू। रोटेट की बात करें तो इमेज से हम इसको किसी भी एंगल में इमेज को हम इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से फिल अप वर्टिकल हॉरिजेंटल कर सकते हैं, जैसे कि देख रहे हैं अभी ये बटरफ्लाई आपको लेफ्ट साइड में दिख रही थी, अभी ये राइट साइड में। अगर आप यहाँ से फिल अप हॉरिजेंटल कर दीजिए, अब देखिए लेफ्ट राइट, और अगर वर्टिकल में करना चाहें देखिए इस तरीके से वर्टिकल भी। तो अब जैसे भी वर्टिकल हॉरिजेंटल जैसे भी आपको फिलअप करना हो, रोटेट करना हो, आसानी से इस कमांड के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इससे पहले पार्ट वन में हमने कवर किया था कलर्स, ब्लॉक, शेप्स, टूल्स। इस वीडियो में हमने आपको टूल्स के सारे कमांड, इमेज में आपको रोटेट, रिसाइज, क्रॉप, क्लिपबोर्ड, कुछ सेलेक्ट के कमांड हैं साथ के साथ कवर कर लेते हैं किस तरीके से काम करते हैं। अपने पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ से जाएंगे, एक सिलेक्शन है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, जब भी हम कुछ भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं ये बॉक्स में हो रहा है। दूसरा कमांड होता है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, इसको हम मनचाहे तरीके से ऐसे आप जितना एरिया चाहें उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जब भी हम इसे मूव करेंगे तो आप देख रहे हैं केवल बटरफ्लाई बस उतना ही मूव हो रहा है, ये जितना हमने सेलेक्ट कर रखा था। और आप इसे मनचाहे जगह पर जहाँ भी था आप छोड़ सकते हैं या फिर कंट्रोल जेड कर दीजिए, ऑटोमेटिकली अपने स्थान पर हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड की बात करें तो इसमें सेलेक्ट ऑल, आपका पूरा पेज सेलेक्ट हो गया। अगर हम कुछ भी डिलीट करेंगे तो ये पूरा जो भी हम ड्रॉ किए हैं सब का सब डिलीट हो गया। नेक्स्ट कमांड की बात करें, जैसे हम कुछ भी ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे ये स्टार ड्रा हुआ हो, आप एवरीवन कोई भी इमेज हो या शेप्स हो या कुछ आप इंसर्ट करके लाए हैं पेस्ट फॉर्म के माध्यम से या आप कुछ ड्रॉ किए हैं, तो किसी पर भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि किस तरीके से इसका रिएक्शन होता है। तो यहाँ से हम ऐसे फोटो एडिटिंग में देखते हैं कुछ वॉलपेपर वगैरह, तो यहाँ तो काफ़ी चीज़ें हैं। फिलहाल एक इमेज सेलेक्ट किए कुछ ऐसे, इसको रिसाइज से इसे थोड़ा ओके, जैसे आप देख रहे हैं ये आपकी एक इमेज है, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक, आप सोच रहे हैं कि ये इमेज बनाई गई है और इस इमेज में अगर हम ध्यान दीजिए सेलेक्ट का क्रॉप का यूज होता है, जैसे सेलेक्ट में हम जो भी एरिया सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करके क्रॉप पर क्लिक करते हैं, जो अनवांटेज पेज का एरिया था वो गायब हो गया, यानी वो कट जाता है। सेलेक्शन ऑप्शन में एक ऑप्शन होता है इनवर्स सिलेक्शन, जैसे हम चाहते हैं कोई भी कलर वगैरह फिल कर दीजिए, आप देखेंगे जैसे ये आप चाहते हैं कि जो अनवांटेज एरिया है बाहर का सारा डेटा डिलीट हो जाए और ये जैसे का तैसे बना रहे, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको सिलेक्शन से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इनवर्स सिलेक्शन पर क्लिक कर लेंगे, इससे आपको दिखाई देगा कि पूरा पेज सिलेक्ट हो गया लेकिन ये बाहरी पेज सिलेक्शन है। अब आप सेलेक्ट में जाइए, डिलीट बटन से क्लिक करिए या फिर आप कीबोर्ड से डिलीट बटन पर क्लिक कर देंगे और आप देख रहे हैं कि पेज का अनवांटेज एरिया में जो भी चीज़ें बनी थी वो डिलीट हो गई और हमारा चित्र अच्छे से दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हम इनवर्स सिलेक्शन का यूज करते हैं। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन की बात करें तो जैसे आप कोई राउंड शेप से, मान लीजिए हम इसको शिफ्ट के साथ एकदम बढ़िया बेहतर तरीके से एक राउंड शेप से बनाते हैं इसको ऐसे,
राउंड बन गए। इसको आप अब अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद अगर हम एक से दो करते हैं जैसे कंट्रोल के साथ एक से दो, तो बगल में अगर इसके रख रहे हैं देख रहे हैं पीछे का बैकग्राउंड भी सेलेक्ट हो रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पर ऐसे निशान लगा दें। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। तो आप जैसे ही इस पेज को सेलेक्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं कंट्रोल से अगर एक से दो करेंगे तो पूरा आर पार इस पार से उस पार दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरीके से अगर आप इसे शिफ्ट के साथ ड्रैग कर देंगे कुछ ऐसे, तो इसलिए इसकी लाइन हमेशा बहुत पतली बनाइए तो बेहतर लगेगा आपको देखने में। यहाँ से एलिप्स चूज करेंगे, यहाँ से बिल्कुल पतली लाइन बनाइए। आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं बिल्कुल, यहाँ से आप बस सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से ड्राइंग कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में आपको सेलेक्ट के सारे कमांड को क्लियर कर दिया। अगर व्यू मेनू की बात करें तो आप यहाँ से पेज को जूम इन, यहाँ से जूम आउट, आप अगर जूम इन किए हैं तो 100% जूम इन कर सकते हैं। रूलर बार शो आर हाइट, आप देख रहे हैं रूलर बार का काम होता है जैसे किसी शेप्स की साइज को या कोई एरिया हमें तय करना है, बस इतनी दूर में कोई इमेज कर बनाना है, तो आप इस तरीके से ऐसे होम मेनू में चले जाइए। अगर हमें कोई एक राउंड बनाना है समथिंग 1 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा, तो आप देख रहे हैं कि ये रेड पॉइंट 3 पर चल रहा है और इधर 1 पर। अगर हम इन दोनों के बीच में से मेजरमेंट यूनिट को क्लियर करें तो इसको ऊंचाई और लंबाई कुछ ऐसे सेट कर लीजिए। इधर भी आप देखेंगे एक रेड कलर की ऐसे लाइनिंग चल रही है, और आप देख रहे हैं टॉप पोजीशन रूलर बार पर और राइट पोजीशन में रूलर बार में। तो इस तरीके से हम इसको सेट करके अच्छे से जहाँ से भी चाहें कि हमें बस 1 इंच लंबा 1 इंच चौड़ा या इतना सेंटीमीटर छोड़कर बनाना, तो आप देख रहे हैं इस तरीके से आप ड्रा कर सकते हैं कुछ भी।